दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन 8 के कोड में। ठीक है, अभी अपन कोड करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा, मैंने एल्गोरिथम उसमें पूरा, ये जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट सब है उसका मैंने पूरा एल्गोरिथम पूरा हर चीज समझा चुका हूँ मैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग कोड करने वाले हैं। ठीक है, जैसा आप सबको पता ही है। ठीक है, और क्या मैं बता रहा था, ये हमारे सब एरे सीरीज का समथिंग चौथा पांचवा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए कोड करते हैं। हमें क्या बोलना है, हमें एक सब एरे निकालना है जिसका मीन्स प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो एल्गोरिथम की सहायता से हम ये सब काम करेंगे। तो एक मिनट, पहला एल्गोरिथम हमें क्या बोल रहा है, आप ना भैया इनिशिएट कर दीजिए एरे, मीन्स जो पहला एरे एरे की वैल्यू है उसको आप इनिशिएट कर दीजिए इन तीन वेरिएबल्स में। ठीक है जी, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे मैं कर देता हूँ इंट मैक्स, लिख देता हूँ, मैक्स नहीं लिखूंगा, मैक्सी लिख देता हूँ, क्योंकि मैक्स मैक्स है ना यार, वो मैक्स फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, हमें हाँ एरे का पहला एलिमेंट लिखना है। ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, मिनी मिनी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और उसमें हमारी एरे की पहली एलिमेंट लिख देंगे अपन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैक्स प्रोडक्ट में देखते हैं। ठीक है, मैक्स प्रोडक्ट देखते हैं और उसकी मैं लिख देता हूँ पहली एलिमेंट। ठीक है, उसको भी मैं पहले से इनिशिएट कर देता हूँ। और उसके बाद क्या बोला है हमारा एल्गोरिथम, भाई आप ट्रावर्स कीजिए लूप को। ठीक है, करेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, ट्रावर्स करने के बाद आप एक काम कीजिए, आप स्वैप कर देना उसके, क्या बोलते हैं, अगर नेगेटिव आता है ना तब स्वैप कर देना मैक्स मेन की वैल्यू को। जी हाँ, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो चलिए पहले हम लूप स्वैप कर ले, मतलब वो कर देते हैं, आई कहाँ तक जाएगा। और एक मिनट, स्टार्टिंग करना है मुझे के बाद वाले से, तभी तो प्रोडक्ट कर सकता हूँ ना मैं। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा, इफ एरे ऑफ आई नेगेटिव है तभी आप कीजिएगा स्वैप, स्वैग नहीं स्वैप। ठीक है, किसमें करना है, मैक्सी और मिनी, सॉरी वेरिएबल्स बहुत गंदे लग रहे हैं, पर चलो जो है वो है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद हमें बोला है कि आप क्या कीजिए, मैक्स वैल्यू निकालिए। ठीक है, इधर तक तो हम लोग ने कर दिया, हम आप मैक्स वैल्यू निकालिए बाय कंपेयरिंग टू वैल्यूज, जो हमारा जो एक्सिस्टिंग एरे का मीन्स एलिमेंट आ रहा है और जो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स वैल्यू इनटू एरे। ठीक है, उनके बीच आप निकालिए। ठीक है, मैक्स तो हमारा मैक्सी की वैल्यू कितनी होगी, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे हम लोग एचटीएल से, और उसमें हम क्या निकालें, सबसे पहले तो एरे हमारा एलिमेंट है वो बड़ा है या मैक्सी कॉमा एरे आई, दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, और वही सिमिलरली हमें मिन के लिए भी सेम ही प्रोसेस करना है, सिमिलर फॉर मिन, तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे सिर्फ। तो एक काम करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ना, तो मैंने निकाला और वैल्यू चेंज कर देता हूँ मिन। ठीक है, और इधर भी लिख देता हूँ मैं मिन, और जो भी हाँ, और इधर भी मैं लिख देता हूँ मिन मिनी। ठीक है, तो इससे हम लोग ये भी निकाल लेंगे। और उसके बाद एट द एंड में क्या करना है, आप कुछ मत कीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए मैक्स वैल्यू और मैक्स प्रोडक्ट के बीचों में बीच में। ठीक है, तो वही कर देता हूँ मैं, तो मैक्स प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं, मैक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, मैक्स प्रोडक्ट, मैक्स कंपेयर करना है ना, तो मैक्स प्रोडक्ट कॉमा मैक्सी, दोनों के बीच अपन कंपेयर कर देंगे और एट द एंड हम मैक्स प्रोडक्ट रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों यार, यही था कोड। ठीक है, और इसमें अपना हर चीज तो मेरे ख्याल से सही रहेगा, ओ एंड में हो जाएगा क्योंकि एक ही बार लूप यूज किया और कोई स्पेस भी एक्स्ट्रा नहीं यूज की है हमने, और कोई चीज तो नहीं है। हाँ, और क्या दिया है, इधर लॉन्ग लॉन्ग लिखा है, अच्छा मतलब ज्यादा बड़ा वैल्यू के लिए। तो हम अपन एक काम करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग लिखा है तो हाँ मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, एक काम करते हैं हम इधर एरे इंट है ना उसको कन्वर्ट कर देंगे, आपको पता ही हो टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देता हूँ ना एरे को। ठीक है, तो अपन इतना करके रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद आप अपना सबमिट वबमिट जो करना है कर लीजिएगा, आपको आंसर सही मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी था, काफी
अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकते हैं। तो एक्यूरेसी भी देखिए इसका कितना, 29.84। एक बार में तो नहीं बनता, मेरे से भी नहीं बना था, पर समय के साथ बन जाता है, ठीक है, मतलब जितना आप लगे रहोगे। ठीक है, तो चलो यही था क्वेश्चन, तो मिलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, बाय, गुड बाय।